के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री चेतन चौहान ने शिरकत की। कार्यक्रम में ढोलक कारोबारी शक्ति कुमार अग्रवाल सहित अन्य कारोबारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और यूपी दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड भारत के मैच को विराट कोहली के लिए चुनौती बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी में हमेशा कांग्रेस जीतती आई है और इस बार राहुल गांधी की हार कांग्रेस को काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन न्यूजीलैंड में मुकाबला कड़ा होगा क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर एक मजबूत टीम है, लेकिन भारत इस समय बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा टॉप फॉर्म में है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अच्छा मैच होगा, अच्छा जो है संघर्ष होगा। और यूपी बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी ने एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक